अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 13वीं सहरी मुबारक हो। चार छाने से ये शैजान भी उड़ गया है हमारा। चलिए बिस्मिल्लाह करते। सहरी का टाइम हो चुका है, हजरात सहरी कर लीजिए। पहले के लोग आते थे ऐसा बोलते हुए, लेकिन अभी कोई आता ही नहीं है उठाने के लिए। पहले वो दौर ही लगता है ना, पहले मोबाइल नहीं थे, अभी मोबाइल है। पहले एक चाचा आते थे, सहरी करो तो मोरे खाला सहरी करो, ऐसा बोल के। अभी कोई आता ही नहीं है, और पहले फटाके फोड़ते थे सहरी में, फिर ऐसा उठाते थे लोगों को जाके घर घर। तो आज का दौर ही खत्म हो गया। वो छोटे छोटे थे ना जब ऐसा कोई आते थे, चाचा लोग बोल बजाते थे, जब मोबाइल नहीं थे। आज मोबाइल है, अलार्म है, वो टाइम पे मोबाइल नहीं थे, अलार्म नहीं था, इसलिए शहरी में सब लोग बैडमिंटन क्रिकेट खेलते रहते थे। आज के टाइम पे शहरी में सब पबजी खेलते बैठे थे, फ्री फायर खेलते बैठे, मोबाइल यूज करते बैठे थे, सब घरों में ही रह रहे, कोई एक्टिविटीज ही नहीं है। वक्त तो बदलते रहता है, एक जैसा नहीं रहता। टेक्निकल दुनिया, इनको भी कुछ बोलना है। क्या हुआ शैजानो, क्या हो गया? चिड़चिड़ा हो जाता है नींद में से उठ के। कीमा रोटी खिचड़ा है, खा रहे हैं, फिर मिलते सहरी करके। शहजान को ना चाय टोस्ट बहुत पसंद है। टोस्ट खाएगा शहजान, टोस्ट खाएगा तू, चाय टोस्ट ये लो पापा, चाय में डुबा के दो बोल रहे हैं। ना चाय में डुबा के दो। चाय में डुबाओ बोले। रुको तुम डुबाएंगे, मैं डुबाता हूँ, मैं डुबाता हूँ, देना चाय में डुबा के खाइए। कितना खुद को डुबोना है, वाह। चाय में ही डुबाते हैं उसको, पानी में डुबाओ ना। चाय में ही डुबाते मालूम है। सहरी कर रहे शहजान, चिड़चिड़ा हो गया है नींद में से उठा। नींद में से उठा है ना, जिद कर रहा है शहजानू। आधा घंटा 20 मिनट बाकी है। पाँच अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा ब्रश कर लूँ। बाकी जल्दी जल्दी हो गया हमारा खा पी के। दोस्त खाएगी दोस्त खाने के लिए। गरम गरम बहुत दिन से नहीं खाया ना। मिलो जल्दी लो, जाने दो थोड़ा ले लो। हेलो शयाज भी ऐसा बचपन में था तो उठता था। क्या हो गया, क्या हुआ, क्या हुआ शयाज? सो गया भाई, सो गया भाई को दवा लेके आए थे, दांत दर्द था ना, दवा लेके आए थे, डाले थे, दवे का ही नशा है उसको, सो गया है वो। क्या हो गया, गंदा कर दिए तेरा। पैम्पर पे थोड़ा टोस्ट गिरा तो चिड़ रहा है, गंदा हो गया। सफाई वाला बच्चा है, मुंह भी गंदा होता ना तो रोता है। सफाई वाला बच्चा जाने दे भाई, दूसरा पिना देंगे, आ जाओ। चलो मैं ब्रश करके आ जाती हूँ। ये देखिए चांद जो कल छुप गया था ऊपर है, अभी नीचे उतर जाएगा ये चांद। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। रात का नजारा, कुत्ते भौंक रहे हैं। सीलिंग भी है।
अरे ये हिल रहा है। क्या कर रहे हो? चांद देखो अल्फा के मोबाइल में। सयाज भी उठ के बैठ गया है। नमूना सो जाओ मम्मा, सो जाओ ना, सच में सो जाओ, कुछ नहीं होता, दांत दर्द है ना, दवा पिलाएंगे ना। ये है ब्रश कर रहे हैं जनाब शोहर मियाँ, ब्रश करके फटाफट पानी पीना है, फिर मैं किचन साफ करके सो जाऊंगी, थोड़ा नमाज पढ़ के। ये पिल्लू ना दिन में भी पढ़ने ठीक से नहीं देता है, अभी उड़ गया, अभी भी ठीक से पढ़ने नहीं देता है। ये तो अपना चले जाएंगे मस्जिद और मेरी नमाज रह जाएगी अधूरी। क्यों उठता क्या मालूम, आप लोग के भी बच्चे उठते हैं जो भी देख रहे व्यूवर्स, देखिए ये हमारे बच्चे उठते हैं, उठना है इनको, जैसे कि पूरे रोजे रह लेते ये लोग, जब उठाने लगेंगे बड़े होने के बाद बोलेंगे क्यों उठा रहे, नींद खराब क्यों कर रहे, अब सो जाओ बोले तो भी नहीं सोएंगे। देख लो इनको इतनी रात में जाना है नीचे, क्या क्या है, देखिए इतना अंधेरा है गली में, ये बिल्डिंग में यही एक बवाल है कि लाइट नहीं है, हम लोग को ही लगाना पड़ता है। एज स्लीपर ले लिए, जूता ले, दे देना देना, देखो ले, तारे इसमें ही रहता है, कितना अच्छा लग रहा है ना, चांद चांद जा रहा है, चांद जा रहा नहीं है, जमीन जमीन पलट रही है। शहजान क्यों चप्पल नहीं पहनते हो, वो ठंडी भी है, क्या है? क्या है स्लीपर ले रहे हो, और ना बाहर बहुत ठंडी भी है। हाँ सुबह सुबह ठंडी रहती है, वही 12-1 बजे के बाद जो गर्म होता है, वाह शिद्दत वाली गर्मी होती है। क्या हुआ? ये हुआ जूते ले लेके बता रहे, ये लेता है जूते बोल बोल के, मैं बार बार धो धो के रखती हूँ। शहजान क्या हुआ, तुम ही हो शहजान देखते हो, आ जाओ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ मम्मा, छोड़ छोड़ इसको, इसको ना रात में भी चिन्नी भाई को छेड़ना है, ये है ना ये भोला भाला बच्चा, मुंह दिखाओ अपना, शर्म भी आती है बताओ, 5 बजे जाओ गली में अंदर आ जाओ, हे पापा नीचे लोग खड़े हैं। ये जो है ना ये बेकरी है, ये जो सब दिख रहा है बटर है, सब बटर टोस्ट वगैरह बनाते हैं इधर केक्स, मतलब ये सब बेकरी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग बेकरी है, यहाँ पे टोस्ट बटर वगैरह सब बनते हैं, केक टोस्ट और वो भी एकदम होलसेल रेट में, पिज्जा सब चीज, और टेस्टी भी रहता है अच्छा भी है, हम लोग को तो फायदा है, जब भी बर्थडे वगैरह होता है किसी का भी तो होलसेल रेट में मिल जाता है, 250 ना आधा किलो, 200 में आधा किलो केक मिल जाता है, में कहीं नहीं मिलेगा 200 में, हाँ इतना होलसेल रेट में, और टेस्टी भी इतना प्यारा, क्रीम भी इतना अच्छा, इसका केक जो रहता है ब्रांड सेम वही टेस्ट रहता है इसका।
कुछ दिनों के लिए बंद भी थी ये, अच्छा है कि आए लोग खरीदे बना रहे। बहुत सारे वर्कर्स हैं अंदर, बहुत बड़ी है बेकरी, देखो ऊपर से ही अंदाजा लगा लो आप लोग, बड़ी है बेकरी। अब ये सब ये लोग भर रहे हैं, अब ये छोटी छोटी बेकरियों में डिस्ट्रीब्यूट होएगा शायद आसपास की बेकरी में। मौसम भी कितना मस्त है, ठंडा है, ठंडा है ठंडी रहती है क्योंकि सूरज ना अपोजिट दिशा में रहता है। अभी जैसा जैसा जमीन सूरज के करीब जाएगी वैसा वैसा उसकी रोशनी पड़ते रहेगी, फिर वो गर्म फेंकते रहेगा। इतना अच्छा दिख रहा है आज, लेकिन कल 25 तारीख को चांद ग्रहण है। हाँ, कल पूरा दिन 4 घंटा चांद नहीं दिखेगा, बीच में आने वाली है जमीन, इसलिए चांद इतना मतलब सूरज और चांद के बीच में आएगी जमीन, छुप जाएगा चांद। टाइम क्या हो रहा है, शहरी का टाइम हो गया, पानी पी लो ना। शहरी का टाइम तो हो गया, पानी शायद जग दे बेटे। इनको देखो, इनकी मस्ती देखो, ये पकड़ इसको, पकड़ इसको, पकड़ इसको। आजकल 13वां रोजा है। हाँ, 13वां रोजा है, 13वां रोजा है। देखिए माशाल्लाह मेरे शोहर कितने प्यारे लग रहे, प्यारे दिख रहे। हाँ ये बच्चे खेल रहे हैं, सजा को एकदम खुश खुश खेल रहे हैं, उनके हर घंटा खेला है। शायद सीधा दिखा मुंह, शायद किसके जैसा है बताओ, शायद ना उसके पापा के जैसा है या मम्मी के जैसा है, आप बताओ। शायद के दांत पे चुभे ने खा लिए, अभी 5 साल का हो रहा है, नवे दांत आ रहे हैं उसको। डॉक्टर के पास लेके गए थे तो डॉक्टर ने बोले नए दांत आ रहे हैं, इसीलिए दो दर्द होगा। चलिए फिर मिलते हैं, नमाज पढ़ के सुबह ही डायरेक्ट करेंगे, एक दो घंटे को जाएगा लोग सोए तक। ये पकड़ इसको, ये पकड़ इसको, ये पकड़ इसको, ये पकड़ इसको, ये गिरेंगे, गिरेंगे। शहजान डोंट डू दिस, कम हियर, कम हियर, कम हियर, कम विद मी, लेट्स स्लीप नाउ। शहज गो टू योर बेड एंड स्लीप नाउ, गो मैम। ए मस्ती कर, ए पकड़, ए पकड़, ए पकड़, ए पकड़। जूते लेके घूमने का भी एक खेल है, बताओ। बच्चे लोग का अलग अलग खेल होता है, अपने हिसाब से जो बना ले वो खेले उनके लिए। पेट दुख रहा है, दांत दुख रहा है, क्या क्या दुख रहा है मम्मा को मेरे। चलो चलो अल्लाह हाफिज, मिलते हैं सुबह। इनका पेट खाने वाला है। हाँ, डेढ़ बज रहा है, दोपहर के 1:30 बज रही है। देखिए अभी मैं मशीन में कपड़ा लगा दी हूँ, झाड़ू पोछा करना है, ये परेशान कर रहा है शहजाद। ये देखिए मच्छी लगा गया मसाले में, अरे इस पर कितने चलने ना, इसलिए बच्चे को ना मेरे को ना बोले क्या सही हो, हट अंदर चलो, दरवाजा बंद चालू करना ही इसकी आदत है, हट। शहजान परेशान कर रहा था, अभी अंदर लेके आई हूँ, दरवाजा उसको बंद चालू करना है। अब मैं बोली कबाट का ही बंद कर।
क्या है मजा मिलती है बंद चालू कर करके। क्या छुपा के रखे क्या मालूम खजाना, हर कोने कोने में ढूंढते ही रहते हैं लोग। कुछ छुपा के रखे थे लगता पिछले जन्म में, वो ढूंढते रहते कोने कोने में जाके। इसको देखो इसको मस्ती क्या चाहिए। ये मशीन चालू है मेरी, किचन तो साफ है, बर्तन सहरी में ही धो ली थी मैंने, अभी दूध बर्फ बन के थे। तो झाड़ू पोछा तो मैंने कर ली, अभी शहजान के लिए थोड़ा दूध रोटी रखी हूँ, खाता तो है ही नहीं, ट्राई करने का। उसका भाई गया अपने दादी के घर, अकेला पड़ गया, चुपचाप बैठा है वो, रहता ना शेर बन के रहता है, चिल्ला पुकार शहजान शहज कहाँ गया शहजान शयाज, किधर है शयाज भाई, शयाज भाई किधर गए, शयाज भाई गए दादी के घर, इधर ही है पास ही में, अकेला जाता है आता है। इसके पापा गए मस्जिद नमाज पढ़ने, अब ये मुझे पढ़ने देगा नहीं पता नहीं, देखना पड़ेगा। मैं दूध रोटी खिलाती हूँ उसको, क्या 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 क्या। मशीन कितने पे आ गई, 16 पे। मशीन ड्राई हो गई है तो मैं दूसरी बार में पानी डाल रही हूँ। नमाज पढ़ के हो गया था मेरा, अब मैं बनाने जा रही हूँ कस्टर्ड। दूध गरम के लिए रखी थी मैंने, अब इसमें शक्कर डाल के पकाना है, खूब उबालना है। ये रो रहे गोदी में लो बोल के रो रहे मिया, छोटे मिया। दूध को उबाल आने तक छोड़ दी मैंने, इसको देखो इसके पापा मेरे बाजू में बैठे बोल के कितना गुस्सा आ रहा है इसको, हटो बोलता है मुझे, बीच में नहीं बैठना चाहिए, खुद ही रहना है। तो चलिए देखते हैं घर में कुछ बन रहा है क्या, बना रहे देखते हैं। चलो मैं बना रही हूँ कस्टर्ड, कस्टर्ड देखिए कस्टर्ड बन रहा है, कस्टर्ड बना रही हूँ। कस्टर्ड तो एकदम बढ़िया रहता है, मजा आ जाती है खाने के लिए, अफ्तारी में तो और अच्छा लगेगा एकदम ठंडा ठंडा दिल में। दूध में ना शक्कर डाल के दूध उबाल ली मैंने, दूध उबल गया, उबल भी गया एक्स्ट्रा, गैस फ्लेम बड़ा था मैं समझी छोटा है, थोड़ा हॉल में जाके आने तक उबल के गिर गया। तो देख के करने का था, थोड़ा गैस स्लो कर दीजिए, याद नहीं था। ये हमारे दोनों खेल रहे
तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखो देखो, संडे है आज, घर में है सब लोग, आज मैं हूँ घर में ज्यादातर, आज मेरी छुट्टी है। खाना और आज अफ्तारी के लिए क्या बनाने वाले? फिलहाल कस्टर्ड बना रही हूँ, बाद में सोचते क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। बनाओ बनाओ, कुछ अच्छा सा बनाओ, एकदम मजा आ जाए खाने के लिए। क्या सोचे थे आप? कुछ बन जाता आज कस्टर्ड के अलावा कुछ और? बताओ तो, खिचड़ा खा लिया। फरमाइश करो। फरमाइश में क्या, कुछ भी बना दो स्टार्टर आइटम वगैरह। स्टार्टर में चिकन वाला, व्हाइट वाला स्टार्टर बना दो। मिला रही हूँ गैस को, मैं स्लो करके ये घोल ली अच्छे से। अभी मैं मिला रही हूँ कस्टर्ड पाउडर पानी में, ठंडे पानी में घोल लेने का, मिला के एक उबाल आने तक पका लेना थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं पकाना है, थोड़ा गाढ़ापन दिख रहा है ना ये। हाँ हो गया, ये गाढ़ापन आने लगा तो समझ जाने का बंद, गैस ऑफ। हाँ खा जा, ये देखिए कस्टर्ड बन रहा है, ये हो गया हमारा कस्टर्ड रेडी। ठंडा होने तक छोड़ती हूँ, फिर फ्रिज में डाल देती हूँ। अभी मैं फ्रिज में रख के आती हूँ। डोसा खाएंगे क्या? डोसा नई बार, डोसा नहीं खाता मैं। डोसा खिला खिला के मारो लगो क्यों, क्या समझे? साउथ इंडियन वाले डोसा खिला खिलाते रहते हैं हमेशा, लेकिन से बेंगलोर से तो क्या है, वहाँ पे इडली डोसा वगैरह ज्यादा बनता है, तो इडली डोसा इतना मत बनाया करो। अच्छा। अभी रमजान है बोल के नहीं बना रही हूँ, जैसे रमजान खत्म होएगा बनाते ही रहूंगी। हाँ नहीं बा, नहीं मत बनाओ, शायद की टिफिन के लिए भी काम आ जाता है। इडली डोसा इतना अच्छा लगता है खाने के लिए, इडली डोसा खाना भी चाहिए, लेकिन कैसे हफ्ते में दो बार एक बार खा सकते। आओ देखते घर के, शहजान 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 मस्ती कर रहा है, मस्ती में लग गया है शहजान। कल सहरी में इडली बनाते हैं। इडली? नहीं बाबा नहीं, इडली मत बनाओ, इतना खा खा के थक गया इडली। ऐसा बोल रहे जैसे करेला। करेला नहीं, इडली पसंद थी इतनी मुझे, लेकिन कैसा है ना अभी इतना खा लिया तो थोड़ा समझ रही ना, अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ और बना देना। हाय अच्छा बनाते हैं इडली डोसा तो, एकदम एक नंबर बनता है, ऐसा तो कोई बनाता नहीं है यहाँ पे, एकदम बढ़िया लगता है एकदम। खाता हूँ, पसंद नहीं है मतलब, पहले तो पसंद था, पहले पसंद था, लेकिन इतना पहले इतना बार खा लिया, इतनी बार खा लिया कि क्या बोलूं। तो क्यों लेके आए साउथ इंडियन को, इडली डोसा ही मिलेगा कहना। इडली डोसा जो नहीं खाया, इडली डोसा। इधर आ जाओ खिला देंगे, जो नहीं खाता है उनको जाके पूछो इडली डोसे की कदर क्या है, इनको डेली दे दे के बोलते हैं, डेली नहीं देती, हफ्ते में एक बार बनाती, दो बार हफ्ते में दो बार बनाते, तीन बार बनाते, दो बार बनाती हो तो इनको कदर नहीं है इडली डोसे की। वाह, नहीं नहीं कदर तो है, पसंद है ऐसा नहीं बोल रहा, नहीं पसंद है इडली डोसा, अच्छा लगता है, लेकिन कैसा है हफ्ते में दो तीन बार बन जाता तो क्या मूड मतलब स्पिन हो जाता है, मतलब खाने से मन नहीं करता खाने, कोई भी चीज ऐसे ज्यादा खाते तो, जैसा अभी बिरयानी है, कोई बिरयानी ला के देगा बार 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 तो कोई खाएगा नहीं। चलो गांव की बिरयानी कैसी लगती है? गांव की बिरयानी भी एक नंबर रहती है, वहां की बिरयानी तो मेरी एकदम फेवरेट है बेंगलोर की। तो बिरयानी तो पसंद है ऐसा नहीं, बिरयानी अच्छी लगती है, पुलाव अच्छा लगता है गांव का, हमारे हाथ का तो हर चीज अच्छी लगती है मुझे, हर चीज एक नंबर बनता है, तारीफ करना चाहिए बीवी की, पता है ना, मालूम है ना, तारीफ करना चाहिए बीवी की, क्यों भाई ऐसा, आप लोग की तारीफ किया करो अपनी बीवी की, समझ रहे हो ना, समझ गए तू, समझे नहीं समझे, नहीं तारीफ करेंगे तो क्या होगा, नहीं तारीफ करोगे तो आप समझ सकते हो क्या होगा, क्या होगा, खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा और क्या होगा। नहीं भूखा तो नहीं मरेंगे, इतने बुरे भी नहीं है तुम लोग।
ये क्या है, कपड़े निकाल रहे इस तरीके से मशीन में से? वाह शहजान, बहुत मस्ती कर रही हो जब से तुम। जब से मैं उधर खड़ा हूँ तो वीडियो में आके खींच रहा है मेरा पैर। ये तारक मेहता चालू है, तारक मेहता तो सबका फेवरेट है। ये तो मैं 2008 से देख रहा हूँ, एक एपिसोड मिस नहीं किया इसका। इतना ऊपर है रस्सी, ये बाबरी बाब। फिर से लाना पड़ेगा, फिर से मैं इस तरह रखती हूँ। नहीं रहने दो, फिर जाने दो। कुछ कुछ हेल्प कर देनी चाहिए। तरस खा के, तरस नहीं, नहीं तरस खा के नहीं, अच्छी अच्छी बात। आपसे अल्लाह ताला से लंबी अपनी बीवी की बहुत मदद करते थे। वो भी एक सुन्नत है और एक सवाब भी है। देखिए कितने अच्छे विचार हैं। मुझसे इनकी सोच ऐसी रहती है कि घर का काम कर रहे हैं, घर का काम क्यों कर रहे हैं? बहुत है। घर का काम नहीं करना चाहिए, बाहर का नहीं करना चाहिए, जो आए वो करना चाहिए। सेल्फ डिफेंस बन। और तो मैं, मेरे को पहले से आदत है घर का काम करने की, सारे काम मैं करता था मेरी अम्मी के साथ। मेरी अम्मी का भी हाथ बनाता था मुझे। मेरी अम्मी ने मुझे बहुत अच्छी आदत डाले, ये पूरा शह जाता है मेरी अम्मी को। और वो ये सब नहीं सिखाते, सब माँ बाप अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि हर चीज़ करे। अभी हम लोग भी शायद को बताते कि ये हर चीज़ कर, ऐसा नहीं कि ये नहीं कर वो नहीं कर। कुछ लोगों का थॉट रहता है कि आदमी है बोले कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ बाहर कमा लिया बस हो गया, मतलब कुछ दूसरा कर ही नहीं सकता है, ऐसा थॉट डाल देते। और औरत की ऐसी इज्जत होती है जैसे पैर की जूती है औरत, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कपड़ा डाल रहे हैं, मैं मशीन का ये है थोड़ा धो लूं। देखो ये मशीन के अंदर रहता है, निकाल ली मैंने, छोड़ दो। चलो आइए इंडिया, छोड़। ये मैं धो लेती हूँ। देखो ऐसा कचरा रहता है, इसको धो लेना पड़ता है। कुछ लोगों को नहीं मालूम, कुछ लोगों को मालूम है, अच्छी बात है। मशीन का धो रही है। सयाज ना बहुत चुलबुला है, जब से दांत दर्द हुआ ना पूरा चुलबुलापन निकल गया, शांत हो गया। ये देखिए कितना शांति से बैठा हुआ है, इसीलिए शांति से बैठे हैं। ये तो पूरी शांति की अशांति हो जाती है। चप्पल ले लाए, चलो लेने दो, मैं धो धो के रखी हूँ। ये शैतान की फ्रेंड बोल रही है कुछ, बोलो हाय। हाय, हाउ आर यू? कैसा जा रहा है रोजा? रोजा तो अच्छा जा रहा है, आज तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। आज थोड़ा ठंडा भी है, हाँ ठंडी हवा आ रही है, इतनी गर्मी नहीं लग रही है। चप्पल ले रहा है शहजान, शहजान ऐसी सताता है, देखो कैसा कर रहा है। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। जाग, इनका तो अलग ही खेल है। दरवाजा खोलो, मुचो खोलो, मुचो। अब मुझे अंदर जाने नहीं देंगे ये। शहजान खोलो, मुझे जाना है, खोलो मम्मा। अभी मैं खोलूंगी ना, देखो कैसा चिल्लाएगा। मामा,
जाने दो भाई, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, इतनी जिद है बताओ। फोन आ रहा है, कौन कौन तारक मेहता देखता है जरा कमेंट में बताएं। पकड़ इसको, देखो देखो दरवाजा बंद कर देगा अभी। किधर है? देखिए दरवाजा बंद, खोल सकते हैं। अरे बाप रे, तोड़ दे। शायाज देखो क्या कर रहा है, मस्ती। ऐसा किया? ऐसा। मुंह बंद कर दिया। वहां देखो, चाइनीज। माशाल्लाह बहुत मस्ती हो रही है शायाज। अभी दांत दर्द है बोल के थोड़ा हवा टाइट है शायाज। इधर में आई एकदम छोटे छोटे घर, अलग ही दुनिया, कहाँ आ गई ऐसा लग रहा था। गांव में एकदम बड़े बड़े घर, कर्नाटक में। इधर के घर देख के मैं पहले हैरान हो गई, ये क्या है ये, मतलब चिड़िया का घोंसला। एडजस्ट करने ना बहुत टाइम लिया मुझे। तो देखिए मैं सब काट के तैयार कर ली हूँ, सेब, पपीता, पपैया, अनार, अंगूर, तो मैं कस्टर्ड में मिला के अभी फ्रिज में रख दूंगी। थोड़ा काजू बादाम भी। सब मिला के रखते हैं ना तो टेस्टी आता है। खाने के टाइम मिलाएंगे तो उतना उसका रस छूटे नहीं रहता है ना, तो टेस्ट नहीं दिखता है। मिला के एक 10 मिनट के लिए रखने का, तो बहुत टेस्टी लगता है कस्टर्ड। रहने दे, मिलूंगी। देखिए ये अपना रेडी है कस्टर्ड, अब इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। मैं भाजी की तैयारी कर लेती हूँ। मैंने भाजी की तैयारी कर ली हूँ, भाजी अभी बघार लूंगी। कस्टर्ड हमारा रेडी है। अभी इधर 2-3 घर को बांटना था कस्टर्ड, तो वही कटोरे में लेके भेज रही थी। ये हमारे भजी भी रेडी है। इसके पापा आए लगता, आ गए। आ जाओ, एकदम लाल है आज सूरज शेजन, सब लाल लाल, सूरज लाल, चांद लाल है। इनको तो चप्पल नहीं, खेलते रहने। सूरज भी लाल था, चांद भी लाल था, कलिंगड़ भी लाल है, लाल है, लाल है। तो फिर चलिए हम इफ्तारी की तैयारी कर लेते हैं, 6:30 बज रहे हैं। ना दरवाजा, उसको खोल, दरवाजा खोलना है। क्या कर रहे हैं आप? मैं हटो, आगे चलो, बंद कर दो, रुको। इनकी तो अलग ही जिद, दरवाजे पे ही पड़े रहती जिद। अभी ले वीडियो फोटो, सूरज की फोटो। ओह माय गॉड, देखो सूरज। सूरज जी की क्या है आखिर, वो आग का गोला है। सूरज का नाम भी, सूरज का फोन भी आ गया। हेलो, कौन सा? ये देखो सूरज की फोटो कितनी प्यारी आई है। iPhone 13 128 GB वारंटी। जाने दो ना अंदर, अंदर वारंटी बाकी है।
जाना है, बैठी है। जा जा, खोलेंगे तो जाएंगे ना। ये आ गए हमारे सुपुत्र। क्या मांग रहे थे? क्या 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 लाया, क्या क्या लाया? अरे आने जाने भी नहीं दे रहा बच्चा। अल्लाह, देखिए सूरज का फोटो ऐसा आया था। चांद का बताओ, ये देखिए चांद, ये चांद का फोटो आया S23 अल्ट्रा में, और उसमें आया सूरज का। ये क्या है भाई, कहाँ चले गए, क्या है? ये अफ्तारी रेडी हो चुकी है, फिर मिलते हैं हम। देखिए भाजी बन गई ना। सही, अभी अजान नहीं हुई है, झूठी अजान मत दो। इतना उताला मत हो जा अफ्तारी के लिए, 5 मिनट बाकी है। रखो, बाद में खाओ। शेयास करो, क्या कर रहे अफ्तारी के लिए बैठे? रोजा रखे आज? नहीं, कल रखा था। कल रखे थे, रात में रखा था। रात में खाना देखे? हाँ, नहीं खाया। नहीं, शेजान मस्ती कर रहा है। क्या कर रहे हो, गोल गोल घूम रहे हो, गोल गोल घूम रहे हो तुम? गोल गोल घूम, गोल 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 गोल, आई डांस कर रहे हो? इधर आओ, अल्लाह अल्लाह हो रहा है ना उधर? नहीं, इधर आओ, नमाज पढ़ रहे ना, इधर आओ, जल्दी जल्दी जाओ। ए गिर गए, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ, आओ आओ आओ, भाग गया। देखिए फ्रेंड्स, इफ्तारी के बाद ऐसा हाल होता है। गौर से देखिए इस शख्स को, सुस्त होके बैठ गए, उठो बोले तो भी नहीं उठ रहे। ये देखो, इसको देखो, ये भी थक के बैठ गए, बैटिंग कर करके खा खा के। लिख लिख के सीधे उठो ना, अरे आराम कर ले, तो अभी कुछ काम नहीं। अरे आधा घंटा आराम करने को, आधा घंटा इफ्तारी करके हुआ। पूरी एनर्जी लो हो गई, सब एनर्जी चार्ज करते इफ्तारी करके। ये मुंबई में ना सब लो हो जाता है, खा के एकदम पड़े रह जाते। चलो फिर बाय, रोटी बनाने जा रही हूँ। रुको रुको, भाजी बताती हूँ मैं, कैसी बनी भाजी। मैं सब चीज कुकर में ही बनाती हूँ, बताई थी आप लोग को। ये हमारी भाजी रोटी के लिए तैयार है, अभी मैं आटा कला के रोटी बनाने जा रही हूँ। फिर मिलते, बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।